आप लोग बहुत ज्ञानी हो, आप लोग बहुत ज्ञान हासिल कर चुके हो और आपके पास में ज्ञान का भंडार है, ठीक है। तो क्या कार्बन कॉपी काहे की ज्ञान की, इसलिए इसके लिए आज ज्ञान का कोई चर्चा नहीं करेंगे। ओके, हम लोग क्या करेंगे आज, अपना जो मेन एजेंडा है, अपना एजेंडा है कि भी अपने को आज जो टीआरपी T20 या चैंपियंस लीग आपने की थी लास्ट मंथ में, आपको तो पता है क्या कॉन्सेप्ट था उसका, कोई बता सकता है क्या कॉन्सेप्ट था अपना टीआरपी T20 का? हाँ नहीं, देखो IPL खत्म हुआ था और वर्ल्ड कप चालू हो रहा था, ठीक है ना। तो T20 का सारे दिन आप लोग टीवी देखते थे, मैच सट्टा लगाते थे क्या, वो मुझे पता नहीं है। एक एजेंट ने तो कम से कम अभी ना 20 लाख रुपया कमाया। मैं बोला यार तू तो छोड़ दे काम, तू खाली सट्टे का ही काम कर। तो बोला अरे सर मैंने इंडिया के हारने पे लगाया था और उस पे मेरे को है ना 2 लाख रुपया उसी दिन मिल गया। बोला यार अच्छा तू तो हमारे से तो कई कदम आगे है, और तू तो करोड़पति बन जाएगा थोड़ी दिन। बोला सर लेकिन क्या है कि मैं ना सेमीफाइनल में हार भी गया, पाकिस्तान वाले मैच में हार गया। कितना हारा? बोला सर 2 लाख रुपया उधर हार गया। तो इंडिया से जो इंडिया के हारने से जीता था वो पाकिस्तान के हारने से जीता। तो ये सब तो बात ऐसे ही कॉमन बातें हैं, ठीक है। मजाक कर रहा था मैं, ऐसा कोई अपना एजेंट इस तरह का सट्टा वट्टा नहीं करता है। अपने एजेंट तो है ना सब मेहनती लोग हैं, दे आर हार्ड वर्कर, है ना, एकदम क्या बोलते हैं जमीन पर, मतलब रूट लेवल पर, एकदम ग्रास रूट लेवल तक मेहनत करने वाले लोग हैं अपने सारे एडवाइजर्स। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे समय बदल रहा है, अभी अपने टीम का थोड़ा सा एक्टिविटी है ना, जो अपने को प्रोस्पेक्टिंग करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, बिजनेस की बातें करनी चाहिए, वो थोड़ा आप लोग मेरे को लग रहा है कम करते जा रहे हो। कि क्या है सिचुएशन वी डोंट नो, बट जो अपना एक लेवल अपने को मेंटेन करना है वो थोड़ा सा टच करने में हम लोग थोड़ा पीछे रहे। तो IPL और T20 वर्ल्ड कप 2020 वाला था, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट ये था कि 20 20 20 20 20 या नेक्स्ट 20 या नेक्स्ट 20 या ऐसा ये आपको कॉन्सेप्ट दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर किया, क्योंकि 20 वाला स्लैब तो एकदम ईजी था करना। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि बहुत सारे लोगों ने जो 36 37 38 करके वो वहाँ पे रुक गए। उनको बोला कि भैया आप 40 कर लो तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, तो लेकिन वो मेहनत नहीं किया कि आप एक प्रपोजल ला सकते थे। जब आपको पता है कि भी आपका ये लक्ष्य है, तो आप उसको लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको पूरे प्रयत्न करने पड़े। लास्ट टाइम हम लोग जब बैठे थे अपना ये जो अपने दिवाली के पहले जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया था, तो हम लोग ऐसे जस्ट चर्चा कर रहे थे। तो मैंने पूछा था कि डिस्कवरी चैनल कितने लोग देखते हैं, अब यहाँ पे कितने लोग देखते हैं डिस्कवरी चैनल, देखते हैं और सब नहीं देखते डिस्कवरी और ट्रैवल एक्सप्रेस, ट्रैवल एक्सप्रेस भी देखते हैं क्योंकि इनको घूमने का बहुत शौक है ना। तो ये जो डिस्कवरी चैनल है अपने को बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। अभी बहुत सारे आप लोग ट्रेनिंग सेशन भी अटेंड करते, अभी तो फिजिकल चालू हो गया ना, कल ये कोई बहुत बड़ा इवेंट था, एक ट्रेनिंग का, नॉट ट्रेनिंग एक्चुअली सेलिब्रेशन टाइप ऑफ इवेंट, अभी फिजिकली सब चालू हो गए। इसके पहले भी आप लोगों ने बहुत सारा ट्रेनिंग अटेंड किया हुआ है, तो वो ट्रेनिंग के अंदर आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, लेकिन क्या इम्प्लीमेंट कितना किया दैट आई डोंट नो। लेकिन वहाँ पर ट्रेनर बताते हैं कि जंगल का राजा कौन होता है, जंगल का राजा शेर, जंगल का राजा शेर, ऐसे जो हिरण का झुंड है और वो यहाँ से घात लगा के बैठता है, उसका लक्ष्य रहता है एक के ऊपर ही, और वो जैसे जैसे धीरे 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 जाएगा और उसके ऊपर अटैक करके उसको मुंह में पकड़ के, देखा ये आपने इसमें भी देखा होगा, डिस्कवरी पे भी देखा होगा, और ट्रेनर्स ने भी बताया होगा, और ट्रेनर्स ने आपको ये भी बताया होगा कि आपके आपको अपने अंदर ये सारी क्वालिटी आपको डेवलप करनी चाहिए, शेर की मतलब आपको शिकार करने की आदत डालनी चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, क्या शेर अपने हर अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होता है? हर अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होता है शेर? सब लोग यहाँ पे डाल दो उसको अपना काम करने, जैसे शेर अपना काम करता है, आप भी तो शेर से कम नहीं हो, आपने शेर के बारे में बहुत कुछ सीखा है, आपको ट्रेनिंग में भी बताया गया बहुत सारे ट्रेनर्स ने कि आप शेर बनो, है कि नहीं। तो
जब आपको शेर बनना है तो आपको शेर का क्वालिटी पता होना चाहिए, शेर जंगल का राजा है। तो शेर जब शिकार पर निकलता है तो उसके सारे के सारे शिकार सक्सेसफुल नहीं होते। शेर होने के बावजूद भी उसके 25% शिकार ही सक्सेसफुल होते हैं। मतलब वो यदि 100 बार अपना अटैक करता है तो 100 में से सिर्फ 25 बार उसे सक्सेस मिलती है। अभी आपने एक कहानी और सुनी होगी बहुत सारे टेनर्स लोगों द्वारा कि भाई हिरण भी भागता है और शेर भी भागता है। शेर क्यों भागता है? अपना पेट भरने के लिए। और हिरण क्यों भागता है? यदि उसकी भूख ज्यादा होगी तो वो सक्सेसफुल होगा, और यदि उसकी जान सस्ती होगी तो वो शिकार बन जाएगा, या उसकी जान उसके लिए इंपॉर्टेंट होगी तो वो बच जाएगा। बराबर है ना? तो देखिए आप, इतना होने के बावजूद भी शेर अपना अटेम्प्ट छोड़ता नहीं है। शेर क्या करता है, वापस से एक छूट गया तो कोई बात नहीं, आके बैठ जाएगा, देखेगा वहां पे 50 हिरण भाग रहे हैं, चलो उसके ऊपर लगाओ। सेकंड भी अगर अनसक्सेसफुल हुआ, थर्ड करेगा, फोर्थ करेगा, लेकिन वो अंत में उसको सक्सेस मिल जाता है। आप समझे मेरे बात? एट लास्ट ही गेट्स सक्सेस। भालू होते हैं ना, भालू के जो बच्चे होते हैं वो थोड़े बड़े होने के पहले ही मर जाते हैं। 75% बच्चे मर जाते हैं, सिर्फ 25% भालू के बच्चे अपना फुल लाइफ जीते। आप यदि देखोगे समुंदर में मछलियां अंडे देती है, बहुत सारे अंडे देती है ना मछलियां, उन अंडों में से अधिकतर अंडे वो मछलियां खुद ही खा जाती है। समझे आप? वो खुद ही खा जाती है, और बच्चे बचते हैं वो पूरे मछलियां बनते हैं, राइट है? सुना होगा ना, डिस्कवरी में देखा भी होगा आपने। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है? चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है। लेकिन आप रियली देखो तो सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो होती है समुंदर के ऊपर। अपना पृथ्वी के ऊपर तो जो बारिश होती है वो कम होती है, क्योंकि ऑलरेडी अर्थ इज ऑल्सो 28-29% ना, बाकी जगह समुंदर है ना, तो वहीं पे होने वाला है। मतलब जितना बारिश हो रहा है अपने को चाहिए, उसमें से ज्यादातर वेस्टेज होने वाला है, उसमें से ज्यादातर पानी का वेस्टेज होने वाला है। इनफैक्ट धरती पे भी जितना बारिश होता है हम उसका सिर्फ 3% उपयोग कर सकते। अब बात को वापस एक बार दोहराते हैं, शेर सिर्फ 25% सक्सेसफुल पाता है, भालू के ज्यादातर बच्चे मर जाते हैं अपने एकदम इन्फेंट स्टेज में, मछलियों के सारे ज्यादातर अंडे मछलियां खुद ही खा जाती है, तो बहुत कम बचते हैं जो मछलियां बन के निकलते हैं। ज्यादातर बारिश समुद्र के ऊपर होती है जो हम यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेस्टेज। लॉ ऑफ वेस्टेज का मतलब क्या है कि ये लॉ जो है ना, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वैसे ही लॉ ऑफ वेस्टेज भी काम करता है। लॉ ऑफ वेस्टेज जो है वो इस प्रकृति के हर चीज पर, हर प्राणी पर, हर जानवर पर, हर पक्षी पर, सब जगह पे अप्लाई होता है। प्रकृति पे बोला तो आप देखिए, पेड़ पर जितने फल उगते हैं उनका क्या होता है? ज्यादातर फल गिर जाते हैं, बहुत सारे फल पक्षी खा जाते हैं, वहां पर भी वेस्टेज है। इसका मतलब क्या है, शेर अपना शिकार करना छोड़ देता है, बोला यार क्या करूं, बार बार मेरे से वो हिरण छूट जाता है, छोड़ो आज के बाद मैं शिकार नहीं करूंगा, ऐसे करता है? नो सर। क्या पेड़ बोलता है यार मेरे तो फल गिरने वाले ही है, तो फिर मैं क्यों प्रोड्यूस करूं, मैं क्यों प्रोड्यूस करूं, होगा ऐसा? यस, ऐसा होगा, राइट बोल रहा हूं? नहीं सर, उसका नेचर वो करता रहेगा अपना। तो सिर्फ एक इंसान ऐसा है, ये भी एक जानवर है ना, बेसिकली इंसान इज ऑल्सो जानवर, सिर्फ इंसान एक ऐसा जानवर है जो अपना सरेंडर जल्दी हो जाता है, वो जल्दी सरेंडर हो जाता है, वो एक बार ट्राई करेगा, दो बार करेगा, तीन बार करेगा, चौथी बार छोड़ देगा। खासकर इंश्योरेंस अपना इंसान होते हैं, इंसान के अंदर एक वो होती है प्राणी होते हैं जिसको इंश्योरेंस एजेंट कहा जाता है,
वो इंश्योरेंस एजेंट एक बार करेंगे दो बार करेंगे बोलेंगे आप चाहे अपना हो नहीं सोडून तक आया। तो देखो आप यदि ये लॉ ऑफ वेस्टेज को आप समझने का कोशिश करेंगे तो आपके केस में भी आप 100 अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 25 में सफलता मिलने वाली है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सरेंडर हो जाओ और आप बोला नहीं यार चलो कोई आएगा तो ही अपन करेगा नहीं तो नहीं। शेर शेर बोलेगा हिरण मेरे सामने आएगा तो ही मैं खाऊंगा आज के बाद ऐसा करूंगा नहीं बराबर ना। तो आपको अपने काम को करने के लिए कंटिन्यूसली कोशिश करते रहनी पड़ेगी अटेम्प्ट करते रहने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस की आवश्यकता है आपको लेना जरूरी है आप लीजिए मैं तो सुपर सरप्लस लीजिए। इस तरह से आपको अपने काम को आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा। यदि शेर सोच ले भी मेरे पास आएगा हिरण तो ही मैं खाऊंगा तो क्या होगा धीरे धीरे शेर खत्म हो जाएंगे। यदि इंश्योरेंस एजेंट सोच लेगा कि भाई मेरे पास कोई सामने से बोलेगा कि भाई मेडिक्लेम कराए आहेत तर मी करना तो वो नहीं चलेगा वो खत्म हो जाएगा। यदि आपको चाहिए कि आपको सफलता प्राप्त हो हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में तो आपको अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे आपको अपने प्रयास उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पर कोई भी अपन बहाना नहीं कर सकते कि भाई नहीं हो रहा है किसके पास जाऊँ किसको बोलूँ तो मैं बिजी हूँ मेरा ये काम है मैं वो करता हूँ मेरा भी बच्चा हुआ है मेरे को आज यहाँ जाना है ये सब वो कर होने के बावजूद भी हमको अपने अटेम्प्ट बढ़ाते रहने पड़ेंगे। हम अपने अटेम्प्ट बढ़ाएंगे तो हमारे पास में बिजनेस ज़्यादा होगा सक्सेस का रेशियो बढ़ेगा। आई बात समझ में? ये लॉ ऑफ वेस्टेजेस जो है ना अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें इस चीज़ को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। आपको आई बात समझ में? तो आज के बाद आप ये सोचना कि भाई यदि मेरा आज किसी ने मेरे को मना किया है पॉलिसी के लिए तो इसका मतलब मैं हार मान जाऊँ नहीं मैं दूसरे को बोलूँगा दूसरे ने भी मना किया तीसरे को बोलूँगा तीसरे ने भी मना किया चौथे को बोलूँगा पाँचवें को बोलूँगा छठे को बोलूँगा सब मेरा काम है बोलना मेरा काम है अटेम्प्ट करना शेर का काम है शिकार करना। भले ही आप एक पॉलिसी करो आराम करो दिन भर शेर की तरह से अगले दिन एक और करो ऐसा नहीं है कि एक महीने का आराम नहीं चलेगा एक पॉलिसी करके एक महीने का आराम नहीं चलेगा आप समझे एक पॉलिसी करके एक महीना आराम नहीं कर सकते आपको रोज एक पॉलिसी करना है ना वास्तव में ओके। तो ये बात छोटा सा एक मेरे को उस दिन हम लोग बैठे बैठे डिस्कस करते करते थोड़ा सा ऐसे क्लिक हो गया तो इसके लिए मैंने आप लोगों के साथ में ये बात शेयर की है और आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ गए राइट। जब बोलो शिकार हो जाता है ये तो देखो प्रकृति का नियम है। शेर मैंने वो डिस्कवरी चैनल देखा था एक हिरण को दौड़ाया और दौड़ते दौड़ते वो नदी में कूद गई और नदी में मगरमच्छ थे वो प्रकृति पे है ना पैसे भी एडवाइजर शिकार हो जाते। मैंने अभी देखो अपने इधर भी बहुत सारे इस वक्त जो मौजूद हैं बहुत सारे शिकार होते हैं लेकिन अपने को ये नहीं देखना है कि हमको शिकार होना है। शिकार कोई भी हो सकता है लेकिन हमें ये कोशिश करनी है हम शिकार ना होकर हम शिकार करें हम शिकारी बने रहें। पहले के जमाने में जब ये सिविलाइजेशन शुरू हुआ था एकदम पहले की बात करता हूँ जब आदम युग में स्टोन एज में तो उस वक्त क्या था कि इंसान सिर्फ मांसाहारी था वो जानवर को मारता था खाता था। उस मोहन सुन लो तो उस केस उस वक्त क्या होता था तो जब वो जानवर को मार के आता था मारने के लिए जाता था तो गारंटी नहीं होता था कि वो वापस आए क्योंकि वो उस वक्त शिकार बनने का चांसेस ज़्यादा रहता था। तो या तो वो शिकार बन जाएगा या वो शिकार करके आएगा ऐसे पहले होता था। तो बहुत सारे लोग बोले यार अपना जब वहाँ से आने का गारंटी नहीं बचता है तो आपको धीरे धीरे क्या करते हैं कुछ अल्टरनेट देखना पड़ेगा तो उन्होंने घास फूस अनाज वगैरह खाना चालू किया। आप समझे ना नहीं तो क्या होता था आज जितनी आबादी है ना उसकी मेरे ख्याल से इतने सालों में 5 करोड़ साल हो गए शायद ना 5 करोड़ सालों में इसका 10% भी नहीं होता था यदि वो एग्रीकल्चर नहीं करते थे क्योंकि वहाँ पर उनका शिकार होने का चांसेस ज़्यादा रहता था। तो अपने बिजनेस में भी हमें एग्रीकल्चर वाला कॉन्सेप्ट भी अपनाना है और शिकार करने का भी कॉन्सेप्ट अपनाना है। वी हैव टू डू टू थिंग्स एग्रीकल्चर का मतलब है खेती बाड़ी करते रहना बीज डालते रहना
हमें रोज बीज डालते रहने पड़ेंगे। बीज डालते रहना मतलब अपने को नए नए प्रोस्पेक्ट से बात करते रहना पड़ेगा पॉलिसी के लिए, और शिकार का मतलब रोज एक शिकार करना पड़ेगा तो अपना पेट भरेगा। डन? यस। हो जाए इसी बात पे जोरदार तालियां। yes.